नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी देखो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते की सारी बड़ी वैकेंसी आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, कोरोना वायरस COVID-19 के चलते देश भर में जहां लॉकडाउन की स्थिति 3 मई 2020 तक के लिए लगा दी गई है, वहीं विभिन्न सरकारी विभागों में कई सरकारी नौकरी निकली है जिनके लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इनमें से कुछ सरकारी नौकरियां तो वेब एप्लीकेशन जैसे कि WhatsApp, Zoom आदि के प्लेटफॉर्म के जरिए इंटरव्यू भी दे सकते। चलिए नजर डालते हैं इन 8 बड़ी नौकरियों पर। सबसे पहली नौकरी इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में निकाली 449 वैकेंसी। भारत सरकार नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में 449 ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 की शाम 5 बजे तक की है। इस नौकरी के आवेदन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, वहां पर आपको डायरेक्टली इस कंपनी की एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, साथ ही में अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। दूसरी बड़ी नौकरी उत्तर रेलवे में सरकारी नौकरियां WhatsApp या अन्य डिजिटल माध्यमों से होंगे इंटरव्यू। उत्तर रेलवे ने मुरादाबाद डिवीजन के लिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 30 अप्रैल 2020 को किया जा रहा है। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को WhatsApp या अन्य डिजिटल माध्यमों से इंटरव्यू में भाग लेने का मौका भी दिया जाएगा। तीसरी बड़ी नौकरी भारत सरकार के पोषण अभियान के लिए 187 पदों पर भर्ती। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास भागों में पोषण अभियान के लिए 187 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार कैंडिडेट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। लिंक के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा करके विजिट करें। चौथी बड़ी वैकेंसी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लिए 24 पदों की भर्ती। ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया यानी BPPSU ऑफ इंडिया ने जन औषधि परियोजन के लिए क्रियावनों के लिए मार्केटिंग ऑफिसर, जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जनरल मैनेजर पदों के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इन पदों की ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए एप्लीकेशन लिंक के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। इस हफ्ते की पांचवी बड़ी वैकेंसी जो कि है डाक विभाग उत्तर प्रदेश 3,951 नौकरी। भारतीय डाक विभाग के उत्तर प्रदेश सर्किल में 3,951 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए अंतिम तिथि है 7 मई 2020। छठवीं बड़ी नौकरी बिहार खनिज विकास प्राधिकारी भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोजन PESC ने खारिज विकास प्राधिकारियों के लिए 20 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जारी आवेदन कर सकते हैं। सातवीं बड़ी नौकरी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 117 डाटा इंटरव्यू ऑपरेशन मार्केटिंग मल्टीटास्किंग स्टाफ टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए कुल 117 वैकेंसी जो है वो खाली है। आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो विजिट करें। आठवीं बड़ी नौकरी उड़ीसा सरकार के रजिस्टर ऑफ ऑपरेटिव सोसाइटी ने जिला केंद्र सरकारी बैंकों में बैंकिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर और सिस्टम मैनेजर की कुल 786 पदों के लिए आवेदन मांगी है। इन पदों के लिए 10 मई 2020 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन सभी नौकरी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल लिंक हमारी वेबसाइट पर जाकर के मिलेगा, साथ ही में सारी डिटेल मिलेगी। सो गाइस, ये थी इस महीने की और इस हफ्ते की सबसे बड़ी नौकरी। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, घर बैठे आप अप्लाई करें और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको सरकारी नौकरियों की सारी जानकारी दे सकें।